सरकार में दम, बिहार के मुख्यमंत्री चाचा भतीजा में दम, तो डेट सुनिश्चित करें और ब्लड सैंपल दें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और कार्यकर्ता ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री चाचा भतीजा ये अपना डेट सुनिश्चित करके बताएं कि जदयू के जितने नेता और कार्यकर्ता हैं अगर दारू पीने और बेचने में सम्मिलित नहीं है तो डेट सैंपल का एक तय करें। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको सम्मान करेंगे और साथ में हम लोग भी ब्लड सैंपल दे करके दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास हम लोग करेंगे। ये शराब मिल कहाँ से रहा है, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देते क्यों नहीं है? जब जवाबदेही आपके पास है तो इसका जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा कि आप स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री चाचा भतीजा जी गड़बड़ हैं, कि आप बिहार के मुख्यमंत्री 17-18 साल से बने हुए हैं, कौन गड़बड़ करता है? 18 साल से आप मुख्यमंत्री है, मुझे तो लगता है कि सबसे गड़बड़ आप हैं, गड़बड़ आप स्वयं हैं। और किसको आप कहते हैं कि गड़बड़ होने वाला है, गड़बड़ करने वाला? आप गड़बड़ खुद करते हैं, सरकार को आप खुद पलटी मारते हैं, आप खुद पलटते हैं और बिहार के लोगों को हाशिए पर रह करके आप गड़बड़ किसको बताना चाहते हैं? शराबबंदी के पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुख्यमंत्री जी साथ साथ गृह मंत्री भी आप हैं, कानून व्यवस्था के देख रेख आपके हाथों में है, तो शराबबंदी आपने किया ना, हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं, गरीबों को आप जेल के सलाखों में डालते हैं। वैशाली में मृतक राकेश पासवान को, सिदेनी माझी गोपालगंज में, बैकुंठपुर विधानसभा के हीरालाल राम जी को, बैकुंठपुर का ही वृंदाराम जो वार्ड सदस्य है, जिला नालंदा में मुन्ना पासवान को, रोहतास जिला के नंद पासवान को, लोहटी गांव के रहने वाले गोपालगंज जिला के विनोद पासवान जो ASI मोहम्मदपुर थाने में थे, अब तक उनका रिपोर्ट नहीं आया किस कारण से उनकी मौत हुई। मृतक का नाम लल्लू कृष्ण, मजदूरी मांगने के कारण बिहटा में उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई। सुखल मुसहर मुखिया गोपालगंज जिला धतिंगना, अभी उसका भी रिपोर्ट नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई। अरवल जिला के रामजीत पासवान को, जिस पत्नी तड़प तड़प करके पटना के PMCH में मौत हुई, उनकी बच्ची भी साथ में मर गई, जो उस परिवार को पेट्रोल छिड़क करके आग लगाया गया था, उस परिवार को भी अभी ये सरकार कोई मुआवजा नहीं दिया। जबकि अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत अगर कोई परिवार में इस तरह की घटना अपराधियों के द्वारा घटित होती है तो त्वरित उस परिवार को मुआवजा देना होता है। मैं मांग करता हूँ, ये सरकार कहती है तो उसको पूरा करके, सरकार कही है कि मृतक परिवार को हम जमीन देंगे, 3 डिसमिल जमीन की बात आई थी, आज तक किसी मृतक परिवार को 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया गया, मृतक परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैं मांग करता हूँ कि जो भी हमने नाम लिया है बिहार प्रदेश में, जहाँ भी किसी भी जिले में अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहन, छात्र और छात्रा के साथ अप्रिय घटना घटित हुई है, FIR हुआ है, तो उसकी गिरफ्तारी के साथ साथ मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपया उनको देना होगा। और इसी कड़ी में हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर एक शराब की चर्चा हो रही है, दावे के साथ चुनौती दी है बिहार प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी कि है सरकार में दम, बिहार के मुख्यमंत्री चाचा भतीजा में दम, तो डेट सुनिश्चित करें और ब्लड सैंपल दें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और कार्यकर्ता ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री चाचा भतीजा ये अपना डेट सुनिश्चित करके बताएं कि जदयू के जितने नेता और कार्यकर्ता हैं अगर दारू पीने और बेचने में सम्मिलित नहीं है तो डेट सैंपल का एक तय करें। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको सम्मान करेंगे और साथ में हम लोग भी ब्लड सैंपल दे करके दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास हम लोग करेंगे। सुनने को बड़ी लोगों के बीच में मिल रही है कि देखिएगा कुछ लोग गड़बड़ करने वाले हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री 17-18 साल से बने हुए हैं, कौन गड़बड़ करता है? बिहार के गरीब जनता, बिहार के अनुसूचित जाति ये जानना चाहती है, 18 साल से आप मुख्यमंत्री है, मुझे तो लगता है कि सबसे गड़बड़ आप हैं, गड़बड़ आप स्वयं हैं
और किसको आप कहते हैं कि गड़बड़ होने वाला है, गड़बड़ करने वाला? अगर जो गड़बड़ करने वाला है तो उसको उजागर क्यों नहीं करते हैं? तो बिहार प्रदेश के कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति के लोगों को एहसास हो रहा है कि आप स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री चाचा भतीजा जी गड़बड़ हैं। जो आप पलटते हैं, बिहार की जनता ने माइंडेड देती है एनडीए के पक्ष में, आप गड़बड़ खुद करते हैं, सरकार को आप खुद पलटी मारते हैं, आप खुद पलटते हैं और बिहार के लोगों को हाशिए पर रह करके आप गड़बड़ किसको बताना चाहते हैं? आप खुद गड़बड़ इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने शराबबंदी का नीति लागू किया। एनडीए के गठबंधन आपका समर्थन प्राप्त था, शराबबंदी के पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुख्यमंत्री जी साथ साथ गृह मंत्री भी आप हैं, कानून व्यवस्था के देख रेख आपके हाथों में है, तो शराबबंदी आपने किया, फिर हर जिले, हर मुख्यालय, हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर गांव में ये शराब मिल कहां से रहा है? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देते क्यों नहीं है? जब जवाबदेही आपके पास है तो इसका जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा। और मिलीभगत सरकार के लोगों ने दारू बड़े पैमाने पर बेचवाने का काम करते हैं। मैं तो मांग करना चाहता हूं कि आपने बंदी किया है, बंदी का समर्थन एनडीए के सरकार में हम लोगों ने भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये नीति फेल है। तो नीति फेल है तो इस पर आपको स्वयं विचार करना चाहिए। और इसी आड़ में आप अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को बड़े पैमाने पर एक गलत शराब नीति की वजह से आप जेल के सलाखों में डालते जा रहे हैं। एक तरफ गरीबों को गलत नीति बना करके जेल के सलाखों में डाल रहे हैं और दूसरे तरफ आप गड़बड़ वाले लोगों को कहते हैं कि ये गड़बड़ कौन है? तो मुझे लगता है कि आप गड़बड़ स्वयं हैं। उसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं ना, हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, अब बिहार की जनता जान चुकी है कि फंसाने वाले आप ही हैं।